बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कश्मीरी चाय बनाना सिखा रही हूँ। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और तकरीबन हर घर में ही ये चाय बनाई जाती है और बहुत शौक से पी जाती है, तो चलिए आज बनाते हैं कश्मीरी चाय। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मग पानी ले लिए, ये तकरीबन आधा लीटर पानी है। और इसके अंदर मैं ये देखें, कश्मीरी चाय इसकी पत्ती होती है, ये 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा ये छोटी इलायची 4 यानी कि स्मॉल कार्डमम 4 और एक बादियान का फूल है, ये ऐड कर रही हूँ मैं। और इसको तकरीबन मैं इतना कुक करूँगी, इतना इसको पकाऊँगी कि ये जो 2 कप पानी है ये 1 कप रह जाए। और यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पर तकरीबन 3 मग जो है दूध, जो मिल्क है, वो पकने के लिए रख दिया हल्की आँच पर, ताकि तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको बिल्कुल हल्की आंच पर मैं पकाऊंगी। और इसके अंदर ये मैं स्मॉल कार्डमम 3 यानी कि छोटी इलायची 3 ये ऐड कर रही हूँ। और बस ये पकता रहेगा और थोड़ा सा जैसे थिक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कश्मीरी चाय है थोड़ी सी थिक गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए पानी तकरीबन पक कर आधा रह गया है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर आइस डाली हुई यानी कि बर्फ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने इसके अंदर जो ठंडा पानी ऐड किया आइस वाला, उससे भी जो इसका बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा, पिंकिश सा। तो ये मैं अच्छे तरीके से इसको फेंट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस टाइम पर मैं ये सोडा ऐड करूँगी, ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी है, ये 1/8 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। और इसको डाल के फिर हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे इसको। आपने इसको इतने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इतना इसको पका लें दोबारा से कि इसमें जो 1 कप पानी कम हो जाए और कलर भी इसका ज़रा पिंकिश। देखिए अभी ये जो साइड पे आप कॉर्नर्स देख रहे हैं, जो झाग है, ये भी पिंक नहीं है, अभी ये वाइट से कलर की है। तो ये हम इसको इतना फेंटेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे, इतना कि ये कलर इसका चेंज हो जाएगा इस झाग का। देखिए हमारा कहवा रेडी हो गया है, ये देखिए आपको पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है ये। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको छान लूँगी और जो इसकी पत्ती है इसको सेपरेट कर दूंगी और इसका कहवा निकाल लूंगी। और इसमें मैंने दूध में भी मैंने जो इलायची डाली थी, जो 3 इलायचियाँ डाली थी, वो भी मैंने इसको निकाल ली हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करने दोबारा रख दिया है। ये देखिए दूध को मैंने अब दोबारा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये जो कहवा है ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, जितना आपको कलर चाहिए आप उतना ऐड कर लें। और कुछ जगहों पर जो इसका कलर सही नहीं आता तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप रेड कलर डाल लें, ऐड कर लें बीच में। मैं ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ बीच में और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। और अगर आप सब लोग अगर चीनी पीते हैं, ये मीठा पीते हैं, तो फिर इसी टाइम पर आप चीनी ऐड कर दें। लेकिन मेरे घर में कुछ लोग नमकीन कश्मीरी चाय पीते हैं और कुछ लोग मीठी पीते हैं, तो मैं इसको एंड में जो है नमक या जो भी चीनी होगी मैं वो एंड में ऐड करूँगी। अब बस पका लूँगी इसको मैं और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है इसको भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है और अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।